गाइस, लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि इजॉय की वेबसाइट पे आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी अपनी वेबसाइट को। अब इस वीडियो में बताऊंगा कि इजॉय की वेबसाइट अगर आपको अनलिंक करना है, वापस गोडैडी पे आना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो आपको बस डोमेन नेम सर्वर चेंज करना होता है, उसकी सेटिंग कुछ होती है वो चेंज करनी होती है, जो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रार पे जाना है। मेरे केस में गोडैडी है और मैं गोडैडी पे जाऊंगा। गोडैडी सबसे पहले आपको गोडैडी पे साइन इन कर लेना है यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके। उसके बाद आपको DNS की कुछ सेटिंग्स होती हैं वो चेंज करनी होती हैं। सेटिंग चेंज करने के बाद वैसे इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें 24 आवर्स भी लग सकते हैं। तो आपको चेंज सेटिंग्स चेंज करने के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स आपको वेट करना है कि आपकी सेटिंग्स चेंज हो जाएँ। इसमें बीच में कभी कभी कुछ कन्फर्मेशन ईमेल भी आती हैं, वो भी आपको ईमेल इनबॉक्स में जाके वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप गोडैडी में सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद आप माई प्रोडक्ट पर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपका जो नाम आता है उसमें ड्रॉप डाउन में जाके आप माय प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। माय प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, जो पेज खुल के आएगा उस पेज पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप स्क्रॉल डाउन करते हैं इस पेज को और लास्ट में जाते हैं पेज के, तो यहाँ पे जो बीच में DNS का ऑप्शन आता है, मैनेज ऑल में DNS के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आ जाता है, इसको भी यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर नेम सर्वर का जो ऑप्शन आता है ये पे यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं, और चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो नया पेज खुल के आएगा उस पेज में आपको कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन आएंगे, अलियूज गोडैडी नेम सर्वर जो रिकमेंडेड है, अलियूज माई ओन सर्वर। तो अभी मैं ओन सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, अभी मुझे गोडैडी पे जाना है, तो मैं पहले वाला ऑप्शन चूज़ करके उसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन पॉपअप देगा, इसको आपको यस पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर देना है। इसमें आपका कंसेंट मांग रहा है, आपको यस करना है और इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और बस इतने, इसके बाद आपका नेम सर्वर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखिए बता रहा है फ्यूचर में वैन बिल्कुल वाइल प्रोसेस अपडेट, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें इस फीचर को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस बीच में आप अपने ईमेल में भी चेक कर सकते हैं, इनबॉक्स में अगर कोई कंफर्मेशन ईमेल आती है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये नेम सर्वर है यहाँ से चेंज होने लगेगा, तो मैं थोड़ी देर बाद में फिर से चेक करूँगा ये नेम सर्वर यहाँ पर चेंज होता है या नहीं होता है। तो लेट्स सी, अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ कुछ देर बाद और फिर से देखते हैं कि डोमेन नेम सर्वर यहाँ से चेंज होता है या नहीं होता। तो इस तरह से आपको अपने डोमेन नेम सर्वर में कुछ चेंजेस करने हों तो यहाँ से आप इजीली ही कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इजॉय की वेबसाइट पे आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे अपने डोमेन नेम सर्वर को वहाँ से चेंज कर सकते हो, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से अनलिंक करना है, इजॉय की वेबसाइट से आपको चेंज करना है, वापस अपने रजिस्ट्रार पे आना है, जो गोडैडी जहाँ से आपने अपना डोमेन लिया है वहाँ पर अगर वापस आपको चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ी देर इसको रिफ्रेश करता हूँ, और इस देखिए ये रिफ्रेश होने के बाद ये आ चुका है, ये पहले रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा था, अभी आ चुका है। और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखिए डोमेन नेम सर्वर यहाँ से चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपना डोमेन नेम सर्वर यहाँ से चेंज कर सकते हो। भी अगर आपको चेंज करने में कोई भी इशू हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई हेल्प यू आउट। गूगल सर्च कंसोल पे कभी कभी डोमेन नेम वेरीफाई करने में इशू आता है, तो वो DNS से कैसे आप चेंज कर सकते हो, ये देखिए। इस तरह से जब आप डोमेन नेम आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो इस तरह से आपके पास कोई एरर आती है। जैसे मैं किसी डोमेन को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे इस डोमेन में जाना है, तो चेकिंग वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका एरर आता है। ये भी कैसे फिक्स करता है मैं ये आपको बताता हूँ। इसमें जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टेक्स्ट को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है, जैसे मेरे केस में गोडैडी है, तो गोडैडी पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉग इन कर देना है। उसके बाद आप डोमेन नेम सर्वर की सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें यहाँ पे आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखता है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, ड्रॉप डाउन में से आपको TXT सेलेक्ट करना है। TXT सेलेक्ट करने के बाद जो होस्ट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको @ टाइप कर देना है, और जो टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको वो वैल्यू यहाँ पे कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। TTL में आपको 1 घंटे का टाइम डालना है इसमें, और इसको यहाँ से आपको सेव कर लेना है। तो बस इतना ही यहाँ से आपको करना है, अब आप अपने डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए डोमेन यहाँ पर ऐड हो गया है, और इसको रिफ्लेक्ट होने में एटलीस्ट 24 आवर्स भी लग सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली हो जाता है। तो चलिए मैं फिर से इसको चेक करता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए अभी इसमें नहीं हो रहा है, एक बार फिर से इसको ट्राई करता हूँ। ये देखिए अभी ये ओनरशिप वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, मैं फिर से इसको ओके करके फिर से इसको ट्राई करता हूँ।
फिर से वेरीफाई करके देखता हूँ कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसमें 24 आवर्स भी लगते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप अपना डोमेन यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं गोडैडी से यूजिंग कोड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी डोमेन नेम में जो इशू आता था वो आप इस तरह से यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से अपने गूगल सर्च कंसोल पे अपने डोमेन को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।